वेलकम बैक। आज हमारा सेकंड डे है कुफरी में, और कुफरी में दो दिन से काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुई है। चारों तरफ स्नो ही स्नो, और जहाँ भी देखो, चाहे रोड, चाहे पेड़, चाहे पहाड़, आप जहाँ भी देखो स्नो ही स्नो। ऐसे में हम ज़्यादा इधर उधर तो नहीं जा सकते, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहाँ से फागू की तरफ चलते हैं, और फागू में पाइन फॉरेस्ट है, वहाँ पर थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे, जितना भी हम ईजली बच्चों के साथ जा सकते हैं। तो चलो चलते हैं। वाकई में व्यूज, मतलब पलक झपकने का भी मेरा दिल नहीं कर रहा, इतने सुंदर व्यूज हैं। हाँ, नीचे ब्लैक आइस है बिल्कुल। कोई नहीं, 10 की स्पीड पे चलते रहते हैं। सुंदर कितने हैं, वाह। अरे वाह, ये व्यू देखो कितना, ये टर्न कितना सुंदर लग रहा है, और सामने ऊपर स्नो कवर्ड माउंटेन्स, हिमालयन रेंज। हम पिछले साल यहाँ एप्पल ब्लॉसम में रुके थे फागू में, दो तीन दिन हम यहीं पर रुके थे, और स्नोफॉल यहाँ पर दो दिन कॉन्टिन्यूस होती रही थी, तो पूरे दिन हमने बहुत इंजॉय करा था। और मतलब यहाँ उस टाइम तो इतनी ज्यादा स्नो गिर गई थी कि ये रास्ता जो आपको आगे दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल कवर हो गया था, तो हमारे अगले दिन नारकंडा की बुकिंग थी वो हमें कैंसिल करानी पड़ी थी, और एक दिन की वहां से कैंसिल करवा के हमने अभी जो पीछे मैंने आपको दिखाया था उसी में हमने ट्रांसफर करवा लिया था। गवर्नमेंट का है ये, वहाँ भी हमने गवर्नमेंट वाले में करवाया था, तो ट्रांसफर हो जाते हैं अगर आप गवर्नमेंट वाले में करवाते हो, आपस में कर देते हैं वो लोग। उस टाइम तो हम थोड़ा बस यहाँ से आगे टर्न करके अपनी गाड़ी लेके गए थे, हमारे लिए चलाना मुश्किल हो गया था, हम वापस टर्न करके ले आए थे, और जबकि हमने रस्सी बांधी हुई थी, लेकिन रस्सी भी हमारी सब टूट टूट गई थी जल्दी वो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा था, बट इस बार हम रस्सी और चेन सब कुछ लेके आए थे, बट इस बार हमें जरूरत नहीं पड़ी। ये वाओ, वाकई में कितने खूबसूरत नजारे हैं। ये देखिए सामने कितना ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, मन करता है बस इसको देखती रहूं। सामने फागू के लैडर फार्म्स हैं, और वो पूरी तरह से वाइट स्नो से कवर्ड हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हमने फागू पीछे क्रॉस कर लिया है, और अब हम आगे जा रहे हैं नारकंडा की तरफ। ये रास्ता जाता है, हम जहाँ तक जा सकते हैं चल रहे हैं, व्यूज और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं, काफी सिनेटिक व्यूज दिखाई दे रहे होंगे आपको भी। और चलिए जहाँ तक चला जाता है, जहाँ तक इंजॉय कर सकते हैं, हम चल रहे हैं, इजिली जा रहे हैं। यहाँ की तो रोड भी काफी ड्राई हो गई है, कोई ब्लैक आइस नहीं है, क्लियर रोड है बिल्कुल। और लेकिन ये देखिए व्यूज, मतलब इस टाइम रोड भी काफी सुंदर लग रहा है, दोनों तरफ पेड़ हैं जिनके ऊपर पत्ते नहीं है, और लेकिन कितने सुंदर लग रहे हैं ये, और सामने स्नो कवर्ड माउंटेन्स, वाओ। और आसमान भी बिल्कुल मतलब नीला, नीले में छोटे छोटे बादल ऐसे सुंदर लग रहे हैं, तो दिल कर रहा है कि काश हम भी उड़ पाते और पूरी मतलब ऊपर अच्छे से एंजॉय करते जैसे बच्चों के कार्टून में दिखाते हैं। जैसे ही हम फागू से कुछ आगे बढ़े, व्यूज सामने देखिए, वाओ, ये पूरा यहाँ पर हिमालयन रेंज दिखाई दे रहा है, पूरा स्नो कवर्ड, वाओ, मतलब क्या व्यूज हैं, चारों तरफ बहुत ही सुंदर।
किलोमीटर आगे हैं, आई थिंक 4-5 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं नारकंडा की तरफ। यहाँ पर रास्ते में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया जहाँ पर लिखा हुआ था कि यहाँ हिमाचली सिड्डू मिलते हैं, तो हमें लगा कि हम हिमाचल में आए और हिमाचली फूड ना ट्राई करें, ऐसा तो नहीं करता। तो इसलिए चलो चलते हैं कि यहाँ पर कैसे हिमाचली फूड मिलता है। यहाँ मेरे ख्याल से सिर्फ सिड्डू ही मिल रहा है, तो चलिए अभी हम सिड्डू ही ट्राई कर लेते हैं। ये यहाँ पर है स्पेशल सिड्डू घी, नमकीन और स्वीट दोनों में है। आपके दो पीस मिलेंगे 100 रुपीस, वन पीस 60 रुपीस, और तो नॉर्मल सारा यहाँ पर जो हमारे यहाँ भी मिलता है सेम है। और तो सब ओके, हमने दो पीस सिड्डू के ऑर्डर करे हैं, देखते हैं कि कैसा है, अगर टेस्टी होगा तो और हम ऑर्डर कर लेंगे। सात्विक, आशी, तुमने भी सिड्डू ऑर्डर करे हैं कि नहीं? देखिए सिड्डू के नाम पे इन लोगों का आपने रिएक्शन देख लिया होगा, तो क्या ऑर्डर करा है इन लोगों ने? एक ने राजमा चावल, एक ने कड़ी चावल, दोनों की च्वाइस बिल्कुल डिफरेंट है। और लोकल फूड तो बिल्कुल नहीं खाना इन्हें, पर ट्राई करना चाहिए बेटा, जहाँ आते हो वहाँ का लोकल फूड जरूर ट्राई करना चाहिए। चलिए ये तो अपने राजमा चावल कड़ी चावल ही खाएंगे, हम देखते हैं सिड्डू कैसे आते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ खाकर कैसा टेस्ट आऊंगा। तो लो जी, ये आ गए हैं हमारे सिड्डू, और ये हमारा देसी घी है, और ये चटनी, और ये है सिड्डू। इनके अंदर तिल की स्टफिंग है, मतलब तिल को मसाले में मिक्स करके उसकी स्टफिंग। एक बार खोल के दिखाते हैं आपको अंदर इस तरह से, और इसको सिड्डू को कहते हैं कि देसी घी में डुबो कर ही अच्छे से तब खाया जाता है। ओके, यहाँ हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये स्टफिंग है इसके अंदर। अच्छा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, देखो भाई तो ठीक है पोस्टमार्टम कर दिया, एक पीस खा लो फटाफट। ये देखिए सू कैसे खाया जाता है वो आपको बताते हैं हमारे डॉक्टर राजन। ओह इतना घी, ओ माय गॉड, यहाँ तो बड़ी मुश्किल से मोटापा कम हो रहा है, इतना घी खाएंगे तो। लीजिए ये आ गई इसकी हिमाचली कड़ी विद चावल, और इसके राजमा विद चावल। कैसे लग रहे हैं इस चीज? देखने में अच्छे लग रहे हैं। ये देखो इनके फेसेस में स्माइल बता रहा है कि इनको काफी पसंद आ रहे हैं। ये देखिए दोनों फोटो के लिए पोज दे रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। चलो खाओ तो खाओ, चलो जा रहे हैं अंदर पाइन फॉरेस्ट की तरफ। आइस बहुत ज्यादा है, लेकिन चलो आइस पर कुछ मस्ती करके आते हैं। ऊपर हाइट से सामने वादियों का आनंद लेते हैं और खूबसूरत व्यूज को अपने कैमरे में कैद करते हैं। थोड़ा और डीप फॉरेस्ट में घूम कर आते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ ऊपर हमारे सिवा कोई नहीं है, काफी संभल कर चलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ कई फीट गहराई तक बर्फ ही बर्फ है।
बजरंग जी, बजरंगबली भगवान जी, आप लगे रहिए यहीं पर, हम चलते हैं घर, अगली बार आपको मिलेंगे। चलो भाई, बाय। मैं अपने काम में जुड़ा रहता हूँ। ठीक है, तो अपने काम में लगा रहो, खेलते रहो, इससे खेलता रहे। ठीक है? हम तुझे कल यहीं से ले लेंगे दिन में, सुबह घर जाएंगे तब यहीं से गाड़ी में बैठा लेंगे। ओके, पहाड़ हो, पेड़ हो, रास्ते हो, सब जगह स्नो स्नो स्नो। पीछे ये फॉरेस्ट है, काफी डीप फॉरेस्ट है। हम ऊपर ट्रैकिंग के लिए गए, हमने बहुत एंजॉय करा ऊपर। कई बार पेड़ों पे से हमारे पे बहुत सारी बर्फ गिरी, हम गिरे भी बहुत बार, और लेकिन मजे जो आए वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो आप खुद ही आकर यहाँ पर ले। और बच्चों ने यहाँ पे क्यूब राइड को भी एंजॉय करा। Really, today I enjoyed a lot. So, bye, see you.